यहां ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। किसको दे रहा है साउथ सम्मान? क्यों टली थी 17 मार्च को ट्रिपल आर की रिलीज? क्यों 17 मार्च को होगी एक ही फिल्म रिलीज? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एसएस राजा मौली ने आखिरकार अपनी फिल्म ट्रिपल आर की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 25 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म में जूनियर एनटीआर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है। कोविड की वजह से बार बार इस फिल्म की रिलीज डेट टली है। खबर थी कि ये फिल्म 18 मार्च को रिलीज हो सकती है, लेकिन फिल्म की डेट को एक हफ्ते आगे किया गया, यानी फिल्म को रिलीज करने में एक हफ्ते की देरी की गई। लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक कारण था जिसे जानकर आप भी भावुक हो जाएंगे। बता दें, इसके पीछे कारण है स्वर्गीय एक्टर पुनीत राजकुमार। जी हाँ, पुनीत की फिल्म जेम्स 17 मार्च को उनके जन्मदिन पर रिलीज हो रही है। उनका सम्मान करते हुए एसएस राजामौली और उनकी टीम ने अपनी फिल्म की डेट आगे बढ़ाई है। कर्नाटक में तो पूरा एक दिन बस पुनीत की ही फिल्म दिखाई जाएगी। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर सिर्फ पुनीत की ही फिल्म चलेगी। बता दे, पुनीत साउथ के जाने माने एक्टर थे। उनकी दोस्ती कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी थी जो पुनीत की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। इसलिए उनके जन्मदिन पर उनको साउथ सिनेमा की तरफ से सम्मान देने के लिए 17 मार्च को सिर्फ उनकी ही फिल्में रिलीज होंगी और सब थिएटर में बस उसे ही देखेंगे। ऐसे में साउथ की फिल्म होने के नाते ट्रिपल आर के मेकर्स ने भी ये रिलीज में बदलाव करने का फैसला लेकर एक बार फिर साबित कर दिया कि ना वो सिर्फ अच्छे डायरेक्टर हैं, बल्कि वो उससे अच्छे इंसान भी हैं। वैसे इस बदलाव के बाद फिल्म का अक्षय कुमार के साथ क्लैश भी टल गया है। अक्षय की बच्चन पांडे भी 18 मार्च को होली के मौके पर रिलीज हो रही है, लेकिन अब ट्रिपल आर का कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 से क्लैश हो रहा है और साथ ही अब आचार्य भी ट्रिपल आर की रिलीज के 4 दिन बाद रिलीज हो रही है। एक दूसरे के बिजनेसेस पर इससे क्या असर होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ ट्रिपल आर की टीम ने पुनीत राजकुमार के लिए जो किया है उससे आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं वो भी बताना ना भूलें। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।